हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी काव्या तो उसके पापा सुबह चले जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो इतनी बातें करती है बस पूछो मत। और आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ। क्या पूछ रही थी सर जी अभी? काव्या, काव्या क्या पूछ रही थी पापा से? पापा क्या लगते मम्मा के? हेमेंद। हेमेंद कौन होते हैं? और आपके क्या लगते हैं? अभी अपने पापा से पूछ रही थी आप मेरे क्या लगते हो और आप मम्मा के क्या लगते हो। मेरे पापा डरते हैं आपके? मेरे पापा डरते हैं मम्मी का। क्या हो? देखिए मैं हस्बैंड और मेरे पापा। और आपके मम्मा के क्या हैं काव्या? हेमेंड। तो भाई काव्या बता रही है कि सर जी मेरे हेमेंड हैं। पता है? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि काव्या को पता है। ये पापा के लिए क्या बना रही हो खाना? क्या बना रही थी बताओ? चाउमीन बना रही हो। खाना तो सब खा चुके हैं ना? राजा ने नहीं खाया, बस राजा खाएगा अब खाना। राजा भी आया स्कूल से, राजा अब खाना खाएगा। और सर जी लाए भुट्टे। और आज हमारी मम्मी आ गई है। मम्मी आराम कर रही है, सो रही है। और हाँ, सर जी को पता भी नहीं है। मम्मी दोनों को नहीं पता ना? मम्मी आ गई, मम्मी सो रही हैं। मम्मी आई, पहले मम्मी आई सुबह, फिर मौसी को देखने गई क्योंकि मौसी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, फिर दोबारा आ गई वहां से। मम्मी हमारी आ गई है, सर जी को पता नहीं है, कह रहे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। और सर जी लाए भुट्टे, तो आज हम कुकर में भूनेंगे भुट्टे। चलो देखते हैं भैया कैसे भूनते हैं हमारे भुट्टे, आप भी देखो। मम्मी हमारी आ गई हैं, मम्मी काली हो गई हैं और काव्या कह रही है अम्मा हमारी गंदी होके आई हैं। आज ट्राई करते हैं कुकर में भूनेंगे भुट्टे। तो चलिए भूनते हैं भुट्टे। अभी तो मेरा कुकर है गंदा, पहले मैं धोती हूँ कुकर को क्योंकि अभी सबने खाना खाया। तो पहले मैं बर्तन धोऊंगी फिर उसके बाद भूनूंगी। तो ठीक है मैं धोती हूँ बर्तन। कुकर मैंने धो लिया है, बाकी के बर्तन धोएंगे बाद में। करते हैं पहले भूनने के लिए रख देते हैं भुट्टे। तो जब तक भुट्टे भुनेंगे तब तक मेरे बर्तन धुल जाएंगे। तो उसके लिए पहले हम भुट्टे छील लेते हैं। राजा परेशान कर रहा है, राजा खाना खाते हुए बहुत परेशान करता है। राजा काव्या से भी बहुत लड़ाई करता है, जहां बैठ जाएगा वहां। बहुत अच्छे भुट्टे लाए सर जी, बिल्कुल ताजे ताजे। देखो दिख नहीं रहे होंगे, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे हैं, बिल्कुल ताजी ताजी हैं। और मैं बाकी के भी छील लेती हूँ। सारे भुट्टे बहुत अच्छे हैं, कच्चे कच्चे। चार ही है मम्मी, फ्रीज वाले तो वो हैं स्वीट कॉर्न, वो रखे हैं अभी। ये वैसे हैं देसी वाले, काव्या की वजह से लाते ही रहे सर जी। तो ये छिल गए हमारे भुट्टे। तो ये मैंने चारों भुट्टे छील लिए हैं और अब हम इन्हें कुकर में रखेंगे भुनने के लिए। इन भुट्टों को भुनने के लिए सबसे पहले हम इसमें 3-4 बूंदी घी डालेंगे और उसे सारे में हाथ से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास ब्रूस हो तो ब्रूस से ग्रीस कर लेना। उसके बाद सारे भुट्टों को इसमें रख लेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा भुट्टे हो तो सेकंड लेयर बना के आप रख सकते हैं उसमें। ये मैंने सारे भुट्टे रख लिए हैं, मेरे पास चार ही भुट्टे थे, मैंने चारों रख लिए। और मैंने चारों भुट्टे रख लिए हैं कुकर में। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक फॉइल पेपर जो मैंने डबल कर लिया है, और इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। फॉइल पेपर से मैंने बिल्कुल कवर कर दिए हैं, और मैंने ये फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर दिए हैं। आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, डायरेक्ट कपड़ा रख देना इसके ऊपर। फॉइल पेपर लगा के फिर लेंगे हम एक ऐसा टॉवल, टॉवल ना हो तो कॉटन का कपड़ा भी ले लेना, वो भी ले लेंगे। और फिर इसको भिगो लेंगे पानी में, थोड़ा पानी निकाल कर इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये मैंने कवर कर दिया, अब लगा देंगे इसका ढक्कन। ढक्कन इसका लगा दिया है, अब हम चला देंगे गैस। मैंने गैस पे चढ़ा दिया ऑयल। तो मैंने रख दिया इसमें भुट्टे भुनने के लिए, और अभी 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब इसमें गैस सी बनने लगेगी तेज गैस पे तो फिर इसको कम कर देंगे। और जब तक मैं धोती हूँ अपने बर्तन, और इसके लिए थोड़ा सा खाने के लिए मसाला भी तैयार करेंगे। अच्छा, जो मैंने इसमें घी लगाया उससे अच्छे से भुन भी जाएंगे और बहुत अच्छा सौंधापन आएगा इसमें। तो आपको दिखाती हूँ भुनने के बाद कैसे लगेंगे। और गैस कम करने के बाद हम इन्हें 2-2, 3-3 मिनट पे हिलाते रहेंगे। और अब हम बनाएंगे इसके लिए मसाला। मसाला बनाने के लिए हमने ले लिए थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा ले लेंगे अब हम भुना हुआ जीरा, और इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे चाट मसाला,
और उसके बाद में थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक और इसमें दो बूंद देसी घी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और ये अब हमने मिला दिया, ये अच्छे से तैयार हो गया है। और नींबू से इसको लगा देंगे भुट्टे पे। और काव्या के लिए तो मैं थोड़ा सा नमक ही रखूंगी क्योंकि इसे ये मिर्च वाला तो भुट्टा नहीं दूँ। और बीच में इसे दो दो तीन तीन मिनट के अंतराल पे ऐसे करके हिला देना है जिससे कि वो चारों तरफ से भुट्टे भुन जाएं। और गैस कम ही रखनी है, गैस तेज़ नहीं करनी है, कम से कम 10 मिनट तक इसी तरीके से ये भूनने कम गैस। तो मसाला भी हो गया है तैयार और काव्या के लिए मैंने नमक भी रख लिया है और अब कम से कम 10 मिनट इसको भूनते हुए हो गई हैं। और अब हम कर देंगे गैस बंद और फिर वेट करेंगे इसकी गैस निकलने का, उसके बाद इसे खोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे भुने हमारे भुट्टे कुकर में। आपको दिखाती हूँ, ऐसे किसी चिमटे से उठाना क्योंकि ये बहुत गर्म है। फिर हटाएंगे हम इसको और फिर हम इन्हें चिमटे की सहायता से निकाल लेंगे। और ये हमारे कुकर में भुन के भुट्टे हो गए हैं तैयार, जिनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इन्हें खाएंगे नींबू लगा के, नमक लगा के, और काव्या को भी दूंगी मैं। और ये देखो भुट्टे खाने वाले पहले तैयार बैठे हैं। क्या चाट रही हो? नमक, नमक लगा के दे नमक, मैं ही तो लेके आई हूँ। दे तो दे तो साफी कुकर में भुट्टे भून के देखना, बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सौंधी सौंधी खुशबू वाले और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और ऐसा मसाला बना के जरूर लगाना है सर जी। इतनी देर में मैंने भुट्टे भुने, सर जी सो गए थे। अब फ्रेंड्स हमारे भुट्टे बने बहुत अच्छे, मैंने खा के टेस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छा स्वाद है इनका। तो यदि आपको भी कुकर में भुने हो तो आप जरूर ऐसे भुने। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था एक मेरा घरेलू ब्लॉग जो मैंने आपको दिखाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।